जज के बंगले के पास हुई सनसनीखेज वारदात। वृद्ध महिला को सरेआम लूटा, धमकाकर हाथों से उतारी सोने की चूड़ियां, गले से खींची चेन। परिवार दहशत में, कहा अब डर लगने लगा है इंदौर में। बसंत पंचमी की शहर भर में रही धूम। सामूहिक विवाह समारोह के साथ हुए अनेक आयोजन। जीवन में उमंग के आगमन का पर्व है बसंत पंचमी। सरस्वती पूजन से विद्या, बुद्धि, वाणी के साथ लक्ष्मी ऐश्वर्य की भी होती है प्राप्ति। गंदगी और अतिक्रमण ने बिगाड़ रखी है शहर के हृदय स्थल राजवाड़ी की दशा। ना ही जनप्रतिनिधि, ना ही जिम्मेदारों को नजर आती है दुर्दशा। बाल विनय मंदिर फीडर रोड की बाधा समाप्त। एसजीएस आईटीएस 3 मीटर पीछे हटने को हुआ तैयार। निगम ने शुरू की अधूरी सड़क बनाने की प्रक्रिया। विज्ञान प्रदर्शनी में दिया बाल वैज्ञानिकों ने अपनी अद्भुत वैज्ञानिक सोच व क्षमता का परिचय। इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स, फियर डिटेक्टर व जल संग्रहण सहित विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत किए एक से एक मॉडल। खराब परीक्षा परिणाम से खफा बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने किया विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन। 27% ही रहा है रिजल्ट। और बाल श्रम मामले में पुलिस ने किया 13 लोगों पर मामला दर्ज। 24 घंटे बीतने के बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। प्रशासन ने कराया था 19 बाल श्रमिकों को सराफा से मुक्त।